नमस्कार, मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के किसानों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, फसल बीमा को लेकर आया बड़ा अपडेट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के किसानों को जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार लगातार नई नई योजना लॉन्च कर रही है ताकि पात्र उम्मीदवारों को इन सभी योजना का लाभ मिल सके। संभावना है कि विधानसभा चुनाव से पहले किसानों खातों में फसल बीमा की राशि भेजी जा सकती है। प्रदेश के लाखों किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा फसल बीमा योजना शुरू की गई है। अनुमान है कि जल्द ही ये रकम राज्य के किसानों खातों में भेजी जा सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2022 की बीमा राशि 27 या 28 सितंबर को एक बार फिर किसानों खातों में भेजी जा सकती है। सरकारी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले किसानों खातों में ये रकम भेजी जा सके। बता दें, इससे पहले जून 2023 में शिवराज सरकार ने प्रदेश के 44 लाख किसानों खातों में साल 2021 की फसल बीमा राशि भेजी थी। इसके तहत किसानों को 2,900 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को राहत पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में सीएम ने कहा कि जहां भी अल्प वर्षा की वजह से फसल खराब होने की शिकायतें सामने आएगी वहां फसलों का आकलन कर बीमा राशि वितरित की जाएगी। इसी प्रकार बयान कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी दिया है। बता दें, मध्य प्रदेश में अल्प वर्षा की वजह से कई इलाकों में किसानों की फसलों पर बुरा असर पड़ा है। एमपी के कई जिलों में तो किसानों की 80% फसलें बर्बाद हो गई है। जिन किसानों ने पहले फसल बुआई कर दी थी उनकी फसल पर अधिक नुकसान पहुंचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी राहत पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कई फसलों के नुकसान पर नजर रखने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला अधिकारी के फसलों के नुकसान का आकलन करने के बाद किसानों को फसल बीमा राशि वितरित की जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी किसानों के लिए राहत राशि की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का बीमा है उन्हें बीमा के माध्यम से फसलों का मुआवजा दिया जाएगा और जिन किसानों का बीमा नहीं है उन्हें आरबीसी 6-4 के तहत रिपोर्ट सामने आने के बाद बीमा राशि और मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों ही स्थिति में किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल के मुताबिक फसल बीमा योजना के तहत सोयाबीन की फसल के नुकसान को लेकर 32,000 रुपये हेक्टेयर का मुआवजा दिया जा सकता है। हालांकि जितने प्रतिशत फसलें खराब हुई है उसका आंकलन करने के बाद उसके अनुसार मुआवजा राशि वितरित की जा सकती है। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट है। भोपाल, नर्मदापुरम समेत 22 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। कल से एक और नया सिस्टम। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 6 दिन से जारी बारिश का दौर से सूखे के अंदेशे का संकट टल गया। रविवार को 16 जिलों में बारिश हुई। आज भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा समेत 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 12-13 सितंबर से एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है। ये 18-20 सितंबर तक प्रदेश में एक्टिव रहेगा, यानी अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में बारिश के असर है। अगले 24 घंटों में भोपाल, शाजापुर, अगरमालवा, सीहोर, देवास, हरदा, राजगढ़, सागर, रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, नर्मदापुरम, बैतूल, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सिंधी, निवाड़ी और रीवा में भारी बारिश हो सकती है। भाजपा के जिन प्रत्याशियों को ज्यादा विरोध हो रहा है उन्हें बदले जाने पर हो रहा है मंथन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने पहले दौर में 39 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को नामों का ऐलान चुनावी मैदान मारने का आगाज तो कर दिया, लेकिन ज़्यादातर प्रत्याशियों के विरोध ने पार्टी के माथे पर बल ला दिया। स्थानीय स्तर पर जिस तरह से प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है उससे पार्टी के अंदर डैमेज होने की आशंका जताई जा रही है। इससे उभरने के लिए पार्टी के रणनीतिकार अभी इस बात पर मंथन कर रहे हैं जिन क्षेत्रों में प्रत्याशियों का ज़्यादा विरोध हो रहा है उन्हें बदल दिया जाए। संभावना जताई जा रही है कि घोषित किए गए प्रत्याशियों में से तकरीबन 1 दर्जन सीटों पर बदलाव किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। भाजपा पहले बाजी मारती हुई 17 अगस्त को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। भाजपा ने लगातार और ज़्यादा अंतर से हारने वाली सीटों को आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। मध्य प्रदेश के जिन 103 विधानसभा सीटों को आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है उनमें से 39 सीटों भी शामिल है। वही दूसरी सूची 15 सितंबर के आसपास जारी होने की संभावना है। मोरक्को में भूकंप में मृतक संख्या 2000 के पार। आपको बता दें, उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को में शुक्रवार देर शाम आए घातक भूकंप के बाद मरने वालों की संख्या अभी तक 2000 से अधिक हो चुकी है। अल जजीरा के अनुसार 6.8 तीव्रता के इस भूकंप में 212 लोगों की जान जा चुकी है और 2,059 अन्य लोग घायल हुए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को देश में 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। विनाशकारी भूकंप के बाद राजा मोहम्मद ने सशस्त्र बलों को विशेष खोज और बचाव दल और सर्जिकल फील्ड अस्पताल तैनात करने का निर्देश दिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए।